वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है, तेरा ही हक के शहीद अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ जो चविंडा का मरकज़ी कब्रिस्तान है उसके अंदर, जिसके अंदर मौजूद हैं 1965 के जो 6 सितंबर 1965 के जो जंग में शहीद हुए थे फौजी हमारे, उन शहदा के जो ना यादगार हैं कुछ इधर हैं, तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। मैं चले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें ये कब्रिस्तान है, ये रास्ता हमने बनाया हुआ है और यहाँ पर ये जो ना यादगार बनाई गई है, ये देखें। तो सबसे पहले तो अंदर चलते हैं। सबसे पहले दुआ जो ना मांग लेता, फिर मैं बाद में आपको एक एक करके जो ना सब के जो ना जो यादगार है मज़ार हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले दुआ मांग लेते हैं। दिखाने का मकसद ये है कि कुछ भाई हमारे कुछ सब्सक्राइबर देखने वाले वो दूर के इलाके से हैं, तो उनके लिए ये सब आके देखना मुश्किल है, तो उसका बेहतरीन जो ना हल यही है कि अब मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके, तो इंशाल्लाह आपको वीडियो में जो ना बहुत कुछ जो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन वीडियो के लिए लाइक कर दें क्योंकि इतना तो बनता है। तो चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ, देखें सिपाही मोहम्मद मुश्ताक का वक्त, ठीक है, जो कि बलोच है और यहाँ पर जी उमरुद्दीन चविंडा, उनके जो ना चविंडा साथ में बिठा दिया। चले मैं अब एक एक करके आपको उनके जो ना ये दिखाता जाता हूँ, अगर पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर काफ़ी वक्त लग जाएगा। ये ऊपर जो है ना ये मोहम्मद नवाज़ है, ये बडियाणा के थे मेरे ख्याल है, और नीचे चविंडा के, ये चविंडा, या फिर ऐसा होगा कि ये बडियाणा में शहीद हुए थे या फिर चुंडा के जो, खैर अब इतना तो कंफर्म नहीं है मुझे। देखिए ये फलोड़ा में शहीद हुआ है, वो आगे चौंक है, वहाँ पर भी बिल्कुल यादगारें हैं बनी हुई, और इनके दस्तार हुआ किसी ने, लेकिन अब फूल वगैरह ला के रखे थे वो, तो अभी तो फिलहाल वो सारे ख़राब हो चुके हैं। ये भी देखिए, ठीक है, अब इस ये तकरीबन 3 और 3 6 ये 3 कमरे इधर हैं और बाकी 4 कमरे इधर बनी हुई हैं। देखें ये नायक थे जो के, और ये सिपाही थे, और नूरुद्दीन ये भी सिपाही नायक नायक थे, और हवालदार मोहम्मद शरीफ। तो ये नाज़रीन कुल मिला के 10 मज़ार जो ना ये एक जगह होंगे, देख रहे हैं ऊपर से मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरह का जो ना, और मैं बाकी साइड पे जो ना कब्रिस्तान है दूसरी कब्रें भी हैं, लेकिन इन जो ना शुहदा की उन्होंने यहाँ पे मज़ार बनाया, ये देखें, ठीक है ना, ऊपर से इस तरह का कुछ छत बना दिया गया है, और बाहर का नज़ारा भी आप देखें, माशाल्लाह खूबसूरत कब्रिस्तान को उन्होंने बना के रखा हुआ है, काफ़ी सफाई सुथराई का ख्याल रखा है। ये देखें सब नीचे पत्थर लगा दिया, पक्की जो ना कबड़े कर दिए ताकि मट्टी डालने वाला वो जो ना काम इन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये यादगारें हैं, हो सकता है कि इनमें कुछ ऐसे हों जिनके जो ना जिस्म मुबारक भी यहाँ पे मौजूद हो, क्योंकि उस वक़्त बाज़ ऐसे हुआ था कि बम के ज़रिए जो ना हमारे कुछ शुहद ऐसे थे कि उनके कुछ निशानियाँ उनकी कुछ यादगारें जो ना फिर उनको दफना दिया गया। तो ये देखना, ये एयर मिनिस्टर तहसील पसरूर असिस्टेंट कमिश्नर ने जो ना ये ला कर रखा है ये यहाँ पर, ख्याल इस पर भी कुछ लिखा होगा, इस पर कुछ नहीं लिखा,
लेकिन इस पर लिखा हुआ। चलो जी अब चलते हैं वापस। चलो जी नाज़रीन, वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो ये थे जनाब हमारे जो ना चविंडा के जो कुछ शुहदा। तो खैर यहाँ जो ना आने के बाद एक बहुत जो ना अजीब जी कैफियत आ रही हो जाती है, लेकिन खैर अब चलना है। तो इंशाल्लाह आप फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, बहुत सारा प्यार।